Welcome back to the channel English Guru. Dear students, today's topic is The Wonder Called Sleep, which is for class 6 from the book A Pact with the Sun. In this chapter, we will read about sleep and how it is a wonderful thing and how we feel when we sleep, because sleep has its own role to make one feel refreshed. जब आप सोकर उठते हो नींद से तो आप अपने आप को रिफ्रेश मीन्स तरोताज़ा महसूस करते हो. स्लीप इज टर्म्ड एज द अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ रेस्ट. स्लीप को माना जाता है कि हम बेहोशी की अवस्था में जब रेस्ट करते हैं, दैट इज स्लीप. सो हाउ इट इज अ वंडर, लेट्स रीड फ्रॉम द चैप्टर द वंडर कॉल्ड स्लीप. अ बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फटीग आफ्टर अ गुड स्लीप. मतलब हमारा शरीर और हमारा दिमाग थकावट से रिकवर होते हैं, मतलब वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं. व्हेन वी हैव अ गुड स्लीप, जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं. फटीग मीन्स भाग दौड़. वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स. जब हम सोते हैं तो हमें सपने आते हैं, पर हमें हमेशा हमारे जो सपने हैं वो हम याद नहीं रख पाते. ड्यूरिंग स्लीप our heartbeat becomes slower and our temperature and blood pressure go down. नींद के दौरान हमारे दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, उसकी धड़कने की गति कम हो जाती है और हमारे शरीर का तापमान और रक्त का दबाव वो भी स्लो डाउन मतलब गो डाउन वो भी कम हो जाता है. We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. हम पर्याप्त जानते हैं कि नींद क्या है, हालांकि हमें पूरा नहीं पता. We don't know what exactly causes sleep, पर हमें ये नहीं पता कि नींद आने का क्या कारण होता है. Sleep is a state of rest and unconscious rest. नींद जो है एक ऐसी अवस्था है आराम की जिसमें हम बेहोश होते हैं, बेहोशी की हालत होती है हमारी. वी आर अनकॉन्शियस एंड आवर बॉडी रेस्ट्स, यानी हम रेस्ट हमारी बॉडी रेस्ट करती है और हमें बेहोशी टाइप होता है. हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ सोए हैं, क्या कर रहे हैं नींद में, क्योंकि हम उस समय हमारी जो शरीर है वो बिल्कुल रिलैक्स करता है, आराम करता है. यहाँ तक कि जो हमारा दिमाग है वो भी उस समय स्लो डाउन हो जाता है. व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़. जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर दिन भर की जो हमने एक्टिविटीज़ की होती हैं, जो भी हमने क्रियाकलाप किए होते हैं, उसकी थकावट से हमारा शरीर उबरता है. आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे. जब हमें एक अच्छी नींद आती है और हम आराम करते हैं, जो ये ये नींद हमारे शरीर को जो आराम देती है, उसके बाद हम फिर से चेतन हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं. फिर से हमारे अंदर फुर्ती आ जाती है और हम दिन की गतिविधियों के लिए रेडी हो जाते हैं जो हमने उस दिन करनी है. When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे लिए हमेशा ये संभव नहीं होता कि जो कुछ रात को हुआ नींद में वो हमें याद हो. We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. हम एक सपना याद रख सकते हैं, लेकिन बाकी उसके अलावा हमारे लिए वो जो नींद है वो एक ऐसा अंधेरा था जिसमें नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, जिसमें शायद कुछ ना हुआ हो. हमें मतलब पूरा हमें याद नहीं रहता. जब हम सोते हैं तो हमें याद नहीं होता है कि हमारे साथ हम क्या कर रहे थे, हमें कैसा अनुभव हो रहा था. हमें नींद में थोड़ा बहुत सपना याद रह सकता है, लेकिन बाकी नहीं याद रहता हमें. सेवरल थिंग्स हैपन टू अवर बॉडी व्हाइल वी आर स्लीपिंग. हमारे शरीर के साथ बहुत सी घटनाएं होती हैं जब हम सो रहे होते हैं. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स, वो बहुत आराम उन्हें मिलता है.
ये सब होता है हमारे साथ जब हम सोए होते हैं। और हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, हमारे दिल की धड़कने की गति कम हो जाती है। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारे शरीर का तापमान और रक्त का दबाव वो भी नीचे चला जाता है, वो भी नॉर्मल स्पीड से कम हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कॉन्ट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली बट वी ड्रीम। हमेशा एक्टिव रहने वाला जो हमारा दिमाग है, एवर एक्टिव, जो हमेशा चलता रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, वो भी उसकी भी गति जो है वो स्लो हो जाती है और हम सोच नहीं पाते या पूरे होश में हम नहीं होते हैं, लेकिन वी ड्रीम, लेकिन हमें सपना आता है। व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर का तापमान और ब्लड प्रेशर, रक्त का दबाव, वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम्स नॉर्मल एंड वी आर फुली अवेक एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग। हमारे दिल की धड़कन और हमारे सांस लेने की जो गति है वो भी सामान्य हो जाती है जब हम पूरी तरह से उठ जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और ज़्यादातर हिस्सा जो हमने देखा होता है सपने का, इफ़ नॉट ऑल, यदि पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत जो है दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, वो सपना थोड़ा बहुत उसका हिस्सा भी हम भूल जाते हैं जो हमने सोते हुए देखा होता है। अ ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर स्लीप। एक सपना जो होता है वो हमारे मस्तिष्क की एक एक्टिविटी होती है जो तब होती है जब हम सो रहे होते हैं। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। जो सपने हैं वो हमें मदद करते हैं कि हम शोर में या बाकी जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं हमारे आसपास उसमें भी हम सो लें। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम्स बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर। सपने किसी समस्या के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं लेकिन वो हमें हमारा भविष्य नहीं बता सकते। अब हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ अ ड्रीम, एक ड्रीम क्या होता है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर स्लीप। ये दिमाग की वो गतिविधि होती है जो तब घटती है जब हम सो रहे होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ सपने जो हैं वो अपेक्षित होते हैं, प्रोबेबल मीन्स जिनके होने की संभावना होती है, जबकि कुछ सपने हमें ऐसे ही आते हैं, कई सपने हमें याद भी नहीं रहते। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। उसका केवल यही मतलब होता है, जो सपनों में कई बार हमें लगता है संभावित घटना होने वाली है, उसका यही मतलब, आप दैट ओनली मीन्स, उसका यही कारण है, यही वजह है कि उनमें से कई चीज़ें जो हम सपने में देखते हैं वो घट सकती हैं जब हम जागे होते हैं। अदर्स कुड नॉट, पर सारी बाकी जो घटनाएं हमने देखी हैं सपने में, जरूरी नहीं है कि वो भी हों। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। सपने कई कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं। वन इज़ दैट ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस। एक कारण ये है कि जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हमें बाकी शोर और जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं हमारे आसपास, कई लोग बात कर रहे हैं, टीवी चल रहा है, तो हम उसमें भी हमें कोई व्यवधान नहीं लगता और हम सोए होते हैं आराम से। फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज़ रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। उदाहरण के लिए कई बार ऐसा होता है कि अलार्म आपने लगाया होता है घड़ी में, वो बज रहा होता है, लेकिन हमारा दिमाग हमें ऐसा महसूस करवाता है जैसे सपना चल रहा हो और सपने में टेलीफोन की घंटी या डोरबेल, दरवाजे की घंटी बज रही हो और हमें ये लगता है कि हम जागे हुए हैं और हम उसका जवाब दे रहे हैं, यानी हम या तो टेलीफोन सुन रहे हैं या हम डोरबेल सुनकर उसे खोलने जा रहे हैं दरवाज़ा, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो सपना चल रहा होता है और असल में आपकी जो आपने अलार्म लगाया है वो बज रहा होता है।
Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems, and that if understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. कई डॉक्टर जो हैं उन्होंने ऐसा पाया है कि जब किसी को कोई सपना आता है या किसी का सपना किसी की समस्याओं के बारे में समाधान दे सकता है और अगर उसे अच्छे से समझा जाए, इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर उस सपने को ध्यान से या सही तरह से समझा जाए तो वो किसी समस्या का समाधान आपको उसमें मिल सकता है. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, पर हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर. आप अपने सपनों को ऐसे नहीं यूज़ कर सकते कि वो आपको आपका भविष्य बताते हैं. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर. आपके सपने आपका फ्यूचर आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकते. स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप. नींद जो है सच में ही एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, साधारण सा अनुभव है जो सब करते हैं, सब सोते हैं. पर हम में से कितने लोग हैं जो वास्तव में सोचते हैं कि नींद जो है एक चमत्कार है, या नींद की शक्ति के बारे में हम सोचते हैं? कितने हैं हम में से? मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटिफुल पोम्स अबाउट स्लीप. बहुत से कवियों ने नींद के बारे में बहुत सुंदर सुंदर कविताएँ लिखी हैं. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. Read it aloud. यहाँ एक poem दी गई है आपको जिसमें कवि अपने सोने के अनुभव को describe कर रहे हैं. आप मतलब आपके साथ describe होता है, उसका व्याख्यान कर रहे हैं. तो poem है Lights Out, यानी lights बंद हैं. I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone, I know not how. यानी कि मैं नींद के borders पर पहुँच गया हूँ, मतलब गहरी नींद में मैं पहुँच गया हूँ. द अनफेदमेबल डीप, बहुत गहरी नींद आ गई है मुझे और मैं ऐसे जंगल में पहुंच गया हूँ वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे, जहाँ सब अपना रास्ता मानो भटक गए, भटक सकते हूँ. हाउएवर स्ट्रेट, हालांकि रास्ता बिल्कुल सीधा है, और विंडिंग, सून और लेट दे कैन नॉट चूज. तो ये पोएम है जो आपको उसे पढ़ने के लिए दी गई है, रिटन बाय एडवर्ड थॉमस. और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं बच्चों वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप, यानी नींद का सबसे अधिक जो स्पष्ट लाभ है वो क्या है? इसमें आप लिखेंगे, द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप इज़ दैट इट गिव्स अ टायर्ड बॉडी द रेस्ट इट नीड्स. मतलब है ये हमारे थके हुए शरीर को जो आराम चाहिए वो देती है नींद. इट हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन टू रिकवर फ्रॉम फटीग caused by the day's activities. जो दिन भर की एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो थकान हो गई होती है उससे हमें राहत मिलती है. After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again and ready for the normal activities of the day. और जब हमें अच्छी नींद आती है और आराम हमें जो इससे मिलता है, तो हम अगले दिन की नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसके लिए हमारा शरीर और हमारा दिमाग फिर से एक्टिव हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप. जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या घटित होता है? तो आपने पढ़ा है कि हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं, हमारी हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर वो भी नॉर्मल हो जाते हैं, और हमारा जो हमेशा एक्टिव रहने वाला ब्रेन है उसे भी आराम मिलता है. तो ये आप लिखेंगे, Several things happen to our body when we sleep. Our muscles relax when we are in deep sleep. Our heartbeat slows down. Body temperature and blood pressure also becomes normal. Our ever active brain gets some rest. Our body is able to recover from fatigue caused by the day's activities. Okay?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अ ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स। सपना क्या होता है उसे आपने अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है। तो ये लिखना है, ए ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट हैपन्स व्हेन वी आर स्लीप। यानी सपना हमारे दिमाग की वो क्रियाकलाप या गतिविधि है जो तब होती है जब हम सोए होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ थाट्स। इसे आप विचारों की एक श्रृंखला, इमोशंस भावनाओं की या इमेजेस जो आपके मन में उस समय पिक्चर्स आ रही होती हैं वो घटती हैं एक इंसान के जो दिमाग में होती हैं जब वो सोया होता है। और वट एवर वी गो थ्रू ड्यूरिंग द डे, और जो भी दिन के दिन में हमारे साथ घटा होता है, हम किसी से मिलते हैं, कोई बात हमने की होती है, जो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है वो सारा उस समय चलता है जब हम सोते हैं और उसे हम एक सपना कहते हैं। तो आप लिखेंगे, अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट हैपन्स व्हेन वी आर स्लीप। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड इमेजेस दैट टेक प्लेस इन अ पर्सन माइंड ड्यूरिंग स्लीप और वट एवर वी गो थ्रू ड्यूरिंग द डेज, दे गेट्स रिकॉर्डेड इन आर माइंड एंड रिप्लेस व्हेन वी आर स्लीप विच वी कॉल अ ड्रीम। नेक्स्ट, व्हाई आर ड्रीम्स इम्पॉर्टेंट। सपने जो हैं वो महत्वपूर्ण क्यों हैं। मेंशन टू रीजंस, आपने दो कारण बताने हैं। तो इसमें आप लिखिए, ड्रीम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजंस। कई कारणों से सपने हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वन इज़ दैट ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस। एक कारण तो ये है कि शोर शराबे के दौरान या अन्य विघ्नों में भी हमें सोने में हेल्प मिलती है। सेकेंडली, ड्रीम्स ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस पर्सनैलिटी एंड इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। दूसरा, सपनों से हमें अक्सर किसी संभावित मतलब कोई अगर प्रॉब्लम है उसके लिए हमें हल मिल जाता है। इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। अगर उन चीज़ों को हम ठीक तरह से समझें तो हमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हल मिल जाता है। वाई हैज स्लीप बीन कॉल्ड वंडर। नींद को एक चमत्कार क्यों कहा गया है। तो आप लिखिए, स्लीप हैज़ बीन कॉल्ड ए वंडर बिकॉज ऑल दो वी स्टिल डू नॉट नो वट एग्जैक्टली कॉज इज स्लीप बट स्टिल वी डू नो इनफ अबाउट वट बेनिफिट्स वी रिसीव आफ्टर हैविंग अ गुड स्लीप। यानी कि स्लीप को, नींद को एक चमत्कार इसलिए कहा गया है क्योंकि हालांकि हम हो सकता है हमें ये नहीं पता है कि क्या कारण है जो नींद होती है हमें या नींद आती है, पर हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या बेनिफिट्स या क्या फ़ायदे मिलते हैं एक अच्छी नींद लेने के बाद। स्लीप आफ्टर ऑल हेल्प्स बोथ आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़। एक अच्छी नींद से हमें हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को दिन भर की जो हमारी थकावट होती है, हम थके होते हैं दिन भर जो हमने काम किए होते हैं उसकी थकावट से हमें आराम मिलता है। इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ एस्केप फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ। और जब हम सपने में जाते हैं तो हम जीवन की सच्चाइयों से भी बच रहे होते हैं उस समय। लास्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास एंड इम्प्रोबेबल ड्रीम यू हैव हैड। क्लास को आपने किसी ऐसे असंभावित सपने के बारे में वर्णन करना है जो आपने कभी लिया हो। बच्चों, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपने इसमें आपको ये एक सपना अपना डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये था आपका चैप्टर द वंडर कॉल्ड स्लीप। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चैप्टर इजी है और छोटा सा भी है और इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको जो भी लगे हैं जैसे डिस्टर्बेंस है, वेरियस रीजंस, ऐसे कई शब्द हैं जो आपके लिए नए हैं और थोड़े इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो इन्हें आप नोट करिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो बेटा उसको आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब भी करना है। और सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन आता है उसको आपने प्रेस करना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
चैनल इंग्लिश गुरु।